गुड मॉर्निंग और दोस्तों अभी मॉर्निंग हो चुकी है और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग यार। वाओ आज पूरी धूप धूप यार। कल यार हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश थी। और दोस्तों बेबी पॉन्ड में हमने कल छोटे छोटे बेबीज रखे थे एक टब में, ठीक है, प्लास्टिक के टब में। तो हमने वो मैंने मॉर्निंग में आकर उनको छोड़ दिया क्योंकि यार एक दो दिन से ज़्यादा हो चुके थे और वो थोड़े बड़े भी हो गए। देखो आपको दिखाता हूँ, आपको दिख रहे होंगे हमारे मॉली फिश उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ये देखो भाई अभी उनके साथ ही ये खेलने लगे है, मतलब ये देखो आराम से रहेंगे यार। यहाँ पे फीड भी ले रहे हैं, मैंने इनको मॉर्निंग में आज ब्लड वॉर्म्स फीड किए। ये देखो ये बेबीज है सारे के सारे और इधर हमारे सारे मॉली फिश के बेबीज है। ये देखो तो दोस्तों आज ना दो फूल आए यार, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी मॉर्निंग हुई तो ये इसे थोड़ा देर लगी है उठने में, क्यूट यार। तो ना दोस्तों अभी ना धूप भी आई है आज अच्छी खासी, ठीक है, क्योंकि कल या परसों में बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो आज एलिगेटर का ग्राउंड में खुला ही रखता हूँ, उसको थोड़ी धूप भी ज़रूरी ना यार। तो आज ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि आज हमारे यहाँ से हमारे जो गणपति बापा है वो जाने वाले हैं, ठीक है। आज गणपति बापा का विसर्जन है और दोस्तों हमारे जो गणपति बापा है 10 दिनों से यार हमारे यहाँ पे है और इनसे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, ठीक है। तो आज हमारे बापा का विसर्जन है तो मैंने ना यहाँ से हमारा सब डेकोरेशन निकल लिया है और अभी हमारे बापा थोड़ी देर में हम विसर्जन करने के लिए जाने वाले हैं। यार जब गणपति बापा आते हैं ना भाई घर पूरा फ्रेश हो जाता है और पूरा खुशियों से भर जाता है, ठीक है। और जाने के दिन यार बहुत ही ज़्यादा यार दुख होता है। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हमारी जो कलर वीडियो हमने विशाल भाई के लिए लाए थे तो अभी वो कलर वीडियो उसके सेटअप पे लेके जाने हैं, मतलब उसके घर पे एक्वेरियम में उसमें डालने के लिए लेके जाना है। और भाई ने हमारे लिए यार बहुत ही क्यूट गिफ्ट लाया है, ठीक है। ऑलरेडी उसके पास बाकी ही था यार हमारे ये जो, हाँ ये इतने ही थे ना, कितने 1 2 3 4 5 6 कोई फिशेस है। और बहुत ही भाई इसका पैटर्न देखा जबरदस्त है। तो विशाल मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ना, इनको अपन क्या करने वाले, इनको अभी जैसे कलर वीडियो तेरे घर पे लेके जाने वाले, ओके, तो इनको कलर वीडियो के टैंक में डाल देंगे और कलर वीडियो फिर लेके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इनको सोच रहा था यार ऊपर छोड़ दूँ पर यार मैंने दिमाग में फिर से आइडिया है कि भाई हम फिश रूम में इनको थोड़े दिन के लिए रखेंगे, फिर इनके लिए एक अलग सा पॉन्ड बनाने वाले। चलो भाई उठाओ। तो अभी हम क्या करते हैं ना दोस्तों, ये वाले जो कलर वीडियोज है सारी की सारी हम निकल लेते, अच्छे से पैक कर लेते, फिर हमारी जो कोई फिशेज है ये यहाँ पे रहने वाली है क्योंकि यहाँ का जो एयर है ना भाई वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इनको सफिशियंट है ये एयर, ठीक है, बहुत फ्रेश पानी करता है। और यहाँ पे हमारी पोलर रहती थी पहले, तो अभी नहीं यार अभी थोड़े बहुत मैंने छोड़े क्योंकि इधर वाला जो टैंक है थोड़ा गंदा हो गया था, हमारे यहाँ पे कल लाइट वगैरह गई थी तो इसी की वजह से यार थोड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बट कोई नहीं यार अभी सॉल्व है। अभी हम क्या करते हैं सारी कलर वीडियो पकड़ लेते। तो ना दोस्तों हमने हमारी सारी कलर वीडियो यहाँ से निकाल ली। ये देखो भाई ये अभी जाने वाली विशाल भाई के घर। अभी हम क्या करते हैं हमारे जो कोईज है ये सारी के सारी उठा कर या इस वाले टैंक में ऐड कर देते। पहली वाली कोई गई हमारी और अभी आने वाली है हमारी सेकंड वाली कोई फिश। जाओ भाई तुम भी होय होय होय। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 1 2 3 4 5 6 हमारी अभी 6 कोई फिशेज हमारे सेटअप पे ऐड हो गई। मुझे बहुत सारे भाई कह भी रहे थे कि आपके सेटअप पे आप कोई फिश ऐड करो करो करो, तो फाइनली यार हमारी कोई फिश तो आ गई है। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ विशाल भाई के घर और यहाँ पे गणपति बापा का जो डेकोरेशन है यार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यार। ये देखो ठीक है ना, तो ये देखो यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भाई का जो टैंक है ये साइड में रखा है ऐसे, जो टीवी वगैरह होता है ना उसके नीचे रखा है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल किया है भाई। यहाँ पे पहले कोईज और गोल्ड थी बट वो थोड़ी ज़्यादा गंदगी हो रही थी क्योंकि फिशेस की जो साइज़ है ना बड़ी हो गई थी यार, भाई के पास बहुत दिनों से थी तो मेंटेनेंस ज़्यादा हो रहा था। तो इसी की वजह से फिर भाई ने सोचा कि यार कलर वीडियो ऐड करें क्योंकि मेरा हमारा जो टैंक यार कलर वीडियो का आप ही देख रहे हो, 3 मंथ्स हो गए सेट करके, बिल्कुल भी टैंक ख़राब नहीं हुआ है, क्लियर है भाई पानी उसके अंदर का, कुछ नहीं यार। हम सिर्फ 50% वाटर चेंज कर दे 15 डेज में और आपको पता है यार रिजल्ट कैसा है। तो इसी की सोचते भाई विशाल भाई ने सोचा कि यार ऐसा हम सेटअप किया जाए, तो इसी की वजह से यार हमारा ही देखते हुए विशाल भाई ने सेटअप किया कलर वीडियो का यहाँ पे भाई ने। तो चलो यार पहले हमें ना कलर वीडियो छोड़ देते हैं फिर बात करते हैं इनका। पहले हमने ना टेम्परेचर अच्छे से सूट करवा लिया था, ओके, तो 10 मिनट्स हमने ऐसे रख दिया था क्योंकि दोनों पानी अच्छे से एक्लिमेट हो जाए। और ये देखो भाई ये रही यार कलर वीडियो, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है यार, वाओ। और भाई ने यहाँ पे सिंपल सा ऐड किया है भाई, जो ऑक्सीजन की स्ट्रिप आती है वो ऐड की है, मतलब एयर पंप के साथ आती है। और यहाँ पे है ड्रिप टू के साथ कुछ प्लांट्स वगैरह है और नीचे ग्रेवल्स है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है यार, ठीक है ना। अभी तो ये जैसे ही सेट होगी और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी, अभी तो हमने सिर्फ ऐड किया है यार।
इनको अच्छे से सेट होने में यार कुछ 2 से 3 दिन लग जाएंगे, फिर फीडिंग लेना जब स्टार्ट करेंगे ना तो मिडल में यार इसे घूमेगी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगा भाई टैंक का। तो देख सकते हैं यार पीछे से जो ऑक्सीजन वाली जो स्ट्रिप है ना, सॉरी एयर पंप वाली जो स्ट्रिप है ना, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और उसकी वजह से इतना टैंक खूबसूरत लग रहा है यार ज़्यादातर। तो भाई ने यहाँ पे थोड़ा फिल्ट्रेशन के लिए कुछ ये फ़िल्टर लगवाया है, मुझे नाम नहीं पता है उस फिल्टर का, और कुछ मटका हाइडिंग प्लेस के लिए मटका भी ऐड किया है। तो दोस्तों अभी हो चुकी है रात और हमारा जो एलिगेटर घर है यार दिन भर से आज मैंने उसको खोल के रखा था क्योंकि आज धूप थी ना। तो ये देखो यार हमारा कॉपर, चलो भाई ऐसे अच्छे से ढक देता हूँ क्योंकि ना यार यहाँ पे ना रात को बिल्ली भी आ सकती है। बिल्ली तो इसको कुछ नहीं करेगी बट बिल्ली का कोई कह नहीं सकते यार, और बारिश का तो भी कह नहीं सकते, बारिश भी आ सकती है और बारिश आने की वजह से फूल भर कर भाई एलिगेटर घर हमारा बाहर भी आ सकता है। और अभी ना दोस्तों पूरी रात हो चुकी है और देखो भाई आज मैंने मून को देखा और कुछ अलग ही दिख रहा है यार मुझे। ये देखो भाई मून के से साइड में ना कुछ गोल गोल लग रहा है मुझे, ये देखो बहुत बड़ा बड़ा। अभी तो बादल आ गए, थोड़ी देर पहले पूरा डार्क दिख रहा था यार यहाँ पे। तो ना दोस्तों हमारे जैसे गणपति बापा गए ना यार पूरा घर है ना सुनसान हो गया भाई, पूरा खाली खाली लगने लगा यार, देखो कुछ नहीं रहा यार यहाँ पे। और दोस्तों हमारे जो प्लेको फिश है ना यार प्लेको, तो उसका कमाल देख सकते हो भाई। ये तो मैंने आपको परसों के वीडियो में अपडेट दिया था बट आज फिर से और भाई उससे भी ज़्यादा क्लीन कर दिया भाई टैंक। देखो कल भी थोड़ा थोड़ा बचा था अलगी वगैरह, आज तो भाई ने पूरा ही क्लीन कर दिया। आज पूरे क्रिस्टल ग्रे हमारे फिशेज दिख रहे हैं। अभी हमें सिंपल सा क्या करना है ना भाई, इसका जो वाटर लेवल है ना बढ़ा देना है, और वाटर लेवल बढ़ाने से क्या होगा भाई ये जो क्षार वगैरह ना ये भी साफ कर देगी। अरे प्लेको फिश इस ये काम बहुत अच्छे से करती है भाई, मैंने तो देखा है भाई। और हमने दो प्लेको फिश छोड़ी थी यहाँ पे, हमारी अल्बाइनो प्लेको छोड़ी थी और यहाँ पे हमारी ब्लैक प्लेको छोड़ी थी। तो कहाँ गई यार ब्लैक, चुप के बैठती यार कुछ मटकियों के पीछे, ये देखो अभी चुप के बैठी है। तो कोई नहीं, ये इसने भी अच्छे से काम किया है भाई। ये देखो अभी सिर्फ हमें ना बाहर से अच्छे से क्लीन करना है इसे, अंदर से तो इसने अच्छे से काम कर दिया। देखो भाई ऊपर से पानी पूरा क्लीन है और यहाँ का भी देखो पूरा का पूरा क्लीन है, थोड़ा बहुत साइफोन वगैरह करना होगा। अरे मैंने मार्केट में ना हमारे इस वाले बॉब के लिए ना, हे बॉब इधर आ जा भाई, हमारे बॉब के लिए मैंने पार्टनर देखा है ठीक है, क्योंकि बॉब बहुत दिनों से अकेला है और मैंने इसके लिए पार्टनर लाया भी था। मुझे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट आए थे कि यार आपका जो टाइगर ऑस्कर था आपके बॉब के साथ ऊपर वाले पॉन्ड में छोड़ा था आपने, वो कहाँ गया? तो वो तो मेरे दोस्त को फिर से मैंने वापस दे दिया क्योंकि यार हमारा बॉब है ना यार उसके साथ बिल्कुल भी नहीं एडजस्ट कर रहा था यार, बहुत ज़्यादा दोनों फाइट कर रहे थे, फाइट करने की वजह से हमारा बॉब बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगा था और उसको भी ज़्यादा डैमेज दिया हमारे बॉब ने। तो यार मैंने उसको मेरे दोस्त को फिर से रिटर्न दे दिया। और यार मैंने इसके लिए ना भाई इसके लिए पूरा का पूरा मार्केट घुमा यार, बिल्कुल भी मुझे इसके लिए कोई साथ ही नहीं मिला रे था, बट यार छोटे साइज के थे यार, इतनी साइज थी इसकी, बहुत बड़ी साइज है यार इसकी, बहुत मतलब बहुत बड़ी है। अभी तो ये अच्छे से नहीं दिखेगा बट इसकी साइज बहुत लंबी है, तो इसके साइज का मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला यार मार्केट में, पूरा मार्केट घुमा था मुझे नहीं मिला। बट मैंने एक अंकल को बोला है कि भाई हमारे पास बड़ा ऑस्कर फिश है तो उसके लिए कोई पार्टनर मिलेगा, तो अंकल बोले कि यार कोई ब्रीडर से बात करेंगे और आपके लिए जरूर एक ऑस्कर मंगवाने वाले ठीक है। तो ठीक है यार बॉब तेरे लिए बहुत जल्द एक पार्टनर आने वाला है ठीक है भाई। यार काफी सारे भाइयों के ये भी कमेंट्स थे कि यार आपने कुर्ला मार्केट जाके सिर्फ गप्पीज लाई और जो फूड वगैरह लाया उतना ही लाया, भाई उतना भी नहीं लाया, बहुत सारे फिश मैंने लाए है ठीक है जो धीरे धीरे हम सब दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आपको मैंने ये वाली फिश दिखा देता यार, मैं भी हमारी गुरामीज लाई है ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई यार ठीक है, तो इसी की वजह से मैंने गुरामीज ले ली। और एक चीज दिखाता हूँ मैं, तो वो चीज ऐसी है ये देखो भाई, यहाँ पे मैंने ना एक गुरामी फिश का ब्रीडिंग पेयर लाया है ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है और ये पक्का ब्रीडिंग पेयर है, इनको मैं कंफर्म करके लाया हूँ ठीक है। और दोस्तों हमारे जो दो फाइटर फिश है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन्होंने यार बहुत सारे बबल्स बनाए थे, बबल नेस्ट इन्होंने बनाया था आपको पता है यार ठीक है, ऊपर ऐसा पूरा नेस्टिंग इन्होंने बना दिया था। तो ये देखिए यार मुझे बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि यार आप जल्दी जल्दी फाइटर फिश की फीमेल्स भी लेके आओ, तो भाई मैं फाइटर फिश की फीमेल्स भी लेके आया। अभी तो ऊपर यार अभी तो रात हो चुकी है, अभी तो नहीं दिखाएंगे, मैं आपको एक कल के वीडियो में उसका अपडेट दे दूंगा क्योंकि उनको ना बेबी पॉन्ड में हमें छोड़ना है हमारे फाइटर फिश जो फीमेल्स है ठीक है। और बहुत जल्द हमारे सेटअप में फाइटर फिश की ब्रीडिंग होने वाली है ठीक है, क्योंकि इनके लिए हमने फीमेल्स ऑलरेडी ला के रखी है।
और जो गुरामी का जो हमने पेयर लाके रखा है ना, ठीक है, जो ब्रीडिंग पेयर है वो रहने वाला है दोस्तों इस वाले टैंक में, ठीक है। हमारे गुरामी फिश का पेयर इस वाले टैंक में रहेगा, और ये जो क्यूट वाली गुरामीज है ना, इनके लिए हमें ना कुछ अलग सा टैंक बनाने वाले, ठीक है। मैं सोच रहा था कि यार हमारे जो सेनेगल है ना, इनका टैंक कुछ चेंज कर दे यार, ठीक है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने फीमेल फ्लोरन रखी थी, उन्होंने तो उसने तो पूरा प्लांटेशन टैंक बिगाड़ दिया यार, ठीक है। ये देखो ये वाला पूरा प्लांटेशन टैंक मतलब फ्लोरॉन ने खराब कर दिया, और अभी मैंने इसको शिफ्ट कर दिया साइड में, और यहाँ तो ये ठीक ठाक है, यहाँ पे हमारा गुरामी फिश का पेयर रहेगा। फिलहाल तो मैंने अभी शॉर्ट टेल छोड़ी है, ये भी मैंने मार्केट से परचेस करके लाई थी, मुझे अच्छी लगी, इंपोर्टेड वैरायटी में। देखो भाई अभी तो शॉर्ट टेल छोड़ी यार, ये तो इनको भी हम कल शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा जो गुरामी का जो ब्रीडिंग पेयर है भाई, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, सिर्फ हमारा यहाँ पे रहने वाला है हमारे गुरामी फिश का पेयर। और ये वाले जो गुरामीज ना, मैं सोच रहा था कि ये वाली यहाँ पे छोड़ दूँ, यहाँ पे अच्छी रहेगी, बट ये इसे अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे अच्छा सा प्लांटेशन टैंक करेंगे, फिर हम वो जो गुरामीज है वहाँ पे छोड़ेंगे। तो ना दोस्तों, मैं आपको कल एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिखाने वाला हूँ, ओके, जो कि हमने इस वाले रूम में रखा है, मैं आपको वो कल ही दिखाऊंगा। मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में।